Welcome everyone to your favorite Neat One channel. बच्चों, I want you to put this video in 1.5x speed so that आपका थोड़ा सा time save हो जाए. ये video बहुत ज़्यादा important है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा time आपका save कर सकता है. NTA ने अपने information bulletin में छोटा मोटा गलती कर दी है इधर उधर, जिसके कारण आप अपना बहुत सारा time waste कर सकते हो वो सारी nitty gritties में जाके, है ना. तो फटाफट से मेरा duty है कि मैं आपको बता दूँ क्या information में गलतियाँ हैं. तो to begin with, सबसे पहले उनका information bulletin आप जब खोलोगे आपको दिखेगा नीचे, सबसे नीचे बताया गया है कि किस तरीके से आपको नीट का फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए है. ठीक है, देख सकते हो आप नीट 2024 लिखा है. यहाँ पे दिया गया है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए है, सिग्नेचर चाहिए है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए है, लेफ्ट एंड राइट हैंड इंप्रेशन एंड थंब इंप्रेशन, ये सारी चीजें चाहिए है, जो कि बिल्कुल सही है. बट उसके साथ साथ हम लोगों ने लिखा है कि प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस प्रूफ का पीडीएफ देख रहे हो, 10th क्लास सर्टिफिकेट का पीडीएफ देख रहे हो. ये सारी चीजें आपको मांगी ही नहीं जाएगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे. तो अभी आप ये देख के, आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख के क्या करोगे, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करोगे, उसका पीडीएफ बनाओगे, उसको कॉम्प्रेस करोगे जितना साइज में बताया गया है. यू विल एंड अप वेस्टिंग अ टन ऑफ योर टाइम, मे बी द एंटायर डे इन गेटिंग रेडी ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स. और एक एक दिन अभी कितना कीमती है मुझे नहीं बताना पड़ेगा आपको, है ना. सो बच्चों, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड. उसके साथ साथ एनटीए ने हजार बार मिनिमम टेन टाइम्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, और फॉर्म फिलअप करते रहोगे वहां भी आपको दिखेगा कि नो करेक्शन विंडो विल बी ओपन्ड, ऐसा लिखा गया है. अगर वो लोग कर देते हैं वेल एंड गुड, बट हजार बार बताने के बाद भी अगर आप गलती करते हो तो आप डिमांड नहीं कर सकते कि करेक्शन विंडो खोलो, हम उसे ठीक करेंगे, क्योंकि नो करेक्शन विंडो विल बी ओपन, ये मिनिमम तो 10 बार लिखा ही गया है आपके पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में. और साथ ही साथ जब फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तब भी बार बार आपके सामने ये चीज आती रहेंगी. ओके, बी वेरी केयरफुल, एकदम माइंडफुली फॉर्म को फिलअप करना. उसके साथ साथ आप लोगों को वीडियोस दिख रहा होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं करना है भाई, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, गैप सर्टिफिकेट, ओ माय गॉड, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बनाए हैं कि गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट नहीं चाहिए. अभी आप प्रिपरेशन में ध्यान दो, बहुत मामूली सी छोटी मोटी सिग्नेचर्स फोटोग्राफ वगैरह ही चाहिए है जिसके हेल्प से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो. डोंट वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग अ कास्ट सर्टिफिकेट नाउ, गैप सर्टिफिकेट नाउ. ये सारी चीजें आप एग्जाम दे लोगे अगले दिन से करना शुरू कर देना, अभी नहीं चाहिए. ये काउंसलिंग के टाइम चाहिए होगा, जब आपका नीट क्लियर हो जाएगा, काउंसलिंग के लिए जाओगे आप तब चाहिए होगा. ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें प्लीज प्लीज मत बनाओ, और बहुत ध्यान से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भरो, क्योंकि नो करेक्शन विंडो विल बी ओपन. इसके साथ साथ बच्चों के बीच में बहुत बड़ी अफवाह फैल चुकी है कि भाई किस तरीके से टाई ब्रेक होगा. पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को अभी ध्यान देना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने के लिए, बाद में रिजल्ट अगर आ जाए तब समझ लेना कि भाई टाई ब्रेक किस तरीके से किया था एनटीए ने. बट लेट मी टेल यू, एनएमसी ने ये बताया था, एनएमसी का वेबसाइट में आप चले जाओगे, वहां पे उन्होंने ये सर्कुलर निकाला था कि टाई ब्रेकिंग जो होगा 2024 से टाई ब्रेकिंग विल स्टार्ट. सबसे पहले फिजिक्स का देखेंगे वो लोग, फिर केमिस्ट्री का मार्क्स देखेंगे, अगर केमिस्ट्री में भी सेम है तो बायो का मार्क्स देखेंगे, अगर तीनों में सेम मार्क्स है वो लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एक लॉटरी सिस्टम करेंगे, उस हिसाब से टाई ब्रेक कर देंगे. ठीक है, बट इस बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप जाओगे 15.2 वाला आर्टिकल में लिखा गया है कि भाई हम लोग टाई ब्रेक किस तरीके से करेंगे. ये 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन से लाई हूं मैं बच्चों, 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये सारी चीजें हैं. यहां लिखा गया है कि इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट्स, अगर दे ऑब्टेन इक्वल मार्क्स या परसेंटाइल, मार्क्स या परसेंटाइल दोनों सेम हो अगर नीट यूजी में, तो मेरिट किस तरीके से दिया जाएगा, किस तरीके से रैंक दिया जाएगा. तो यहाँ पे वो लोग दोबारा से वही चीज लिखे हैं जो पहले से चलता आ रहा है कि सबसे पहले बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी को देखा जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री को देखा जाएगा, उसके बाद फिजिक्स को देखा जाएगा, अगर वो भी सब सेम मिले तो कंप्यूटर या आईटी बेस्ड सिस्टम से, लॉटरी सिस्टम से वो निकाला जाएगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. ठीक है, इस तरीके से टाई ब्रेक होगा. यही आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आया है, 2024 वाले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आया है, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो दिया गया है उसी को हम लोग यू नो द फाइनल वर्डिक्ट मानेंगे. ठीक है, तो ये रहा टाई ब्रेकिंग का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए. तो बस मोटा मोटी इतनी ही चीजें थी, टाई ब्रेकिंग के बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं है, पहले एक रैंक तो ला लो, पहले अपना एग्जाम अच्छा तो कर लो बच्चों. ठीक है, तो प्लीज डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, कास्ट सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, ये सारे पीडीएफ बनाने में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो. अभी सोना है, आई मीन खरा सोना है आपका टाइम. You know, you don't have anything else. The biggest asset at this point in time in your life is your time. Abhi bahut zyada mehnat karo, as I always keep saying, life doesn't get easier, but you get stronger. Life easy to kabhi nahi hoga, budhape tak. But aap strong ban jaoge, ye NEET ke exam mein wholeheartedly mehnat karke dekho. Itna mehnat karo ki dobara aapko nahi lage ki bhai exam ke baad ki main 2-2 ghanta har din aur padh leta to shayad mera ho jata, main fir se drop le leta hu. Wo feeling aapke andar na aaye. Isliye abhi jee jaan laga ke mehnat kar do ki agar by any chance, khuda na khasta, aapka
ऐसा नहीं भी हुआ तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने अपना 100% दे दिया था, मेबी आई एम नॉट मेड फॉर MBBS, वर्क सो हार्ड कि आपके अंदर रिग्रेट नहीं रहे, किसी और के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे उसके लिए नहीं, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए अपना 100% दे दो बच्चों, एंड डू नॉट वेस्ट एनी टाइम, क्योंकि टाइम इज द बिगेस्ट एसेट यू हैव, ठीक है बच्चा। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू वॉच ऑल द हाई क्वालिटी कॉन्टेंट दैट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर चैनल ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप बहुत ज्यादा बेनिफिट होगे सारे कॉन्टेंट से, दैट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड। चलो बच्चों, सी यू इन द क्लास नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।